वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेके आई हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। मैं वीक में 2 वीडियोस लेके आती थी, अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं 3 वीडियोस लेके आऊँ। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड है, कि मेरी खुद की एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा, दीदी आप प्राइमर पे वीडियो बनाओ, DIY प्राइमर, क्योंकि उन्होंने एक बार ट्राई किया था किसी का बताया हुआ, लेकिन वो अच्छा नहीं बना था, चिपचिपा हो गया था, कुछ तो इशू हुआ था उनके साथ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप सही क्वांटिटी लेके बनाते हैं तो प्राइमर बहुत अच्छा बनता है। मैं भी DIY किया हुआ ही प्राइमर घर पे यूज़ करती हूँ, तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। और जब आप घर पे बनाया हुआ प्राइमर यूज़ करते हैं ना, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, आपको कभी पिंपल्स नहीं आते हैं, और ये बहुत ही फ्लॉलेस लुक देता है। मेकअप करना हर लड़की को पसंद है, लेकिन आजकल तो बॉयज़ भी मेकअप कर रहे हैं, तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और बताना कि कैसा लगा, क्योंकि मेरी वीडियोज़ मोस्ट ऑफ लड़कियों के लिए रहती हैं, और अगर लड़कों को लगता है कि उनके लिए कुछ नहीं है तो ये उनके लिए भी है। मेकअप तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन उसके लिए बेस भी ज़रूरी होता है, और प्राइमर जो है मेकअप का बेस रहता है। अगर आपका प्राइमर बहुत अच्छा है तो आपका मेकअप एकदम फ्लॉलेस आएगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी अभी कि आप कैसे वो प्राइमर तैयार कर सकते हैं। और जब हम मार्केट से कोई भी प्राइमर लेने जाते हैं, सस्ता ले लें या फिर महंगा ले लें, जब तक उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तब तक आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। चाहे आप कितना भी कॉस्टली प्राइमर ले लो, अगर वो अच्छा नहीं है तो आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस लुक बिल्कुल भी नहीं देगा। और हम फ्लॉलेस लुक के लिए ही इसका प्राइमर का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा बेस बहुत अच्छे से सेट हो जाए, एकदम फ्लॉलेस लगे, अलग से ना दिखे। मैंने घर पे ये प्राइमर बना के तैयार किया, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, और ये बहुत ही फ्लॉलेस लुक देता है। मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा देती हूँ, ये देखिए, आप इसकी शाइनिंग भी देख सकते हैं। इसको सेट होने के लिए 1 मिनट आपका लगेगा, ये देखिए एकदम शाइनिंग ही दे रहा है, और बहुत ही अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है, आपको बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लगेगा। अगर आप जैसा मैंने बताया वैसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी आपको चिपचिपा नहीं लगेगा। ये देखिए शाइन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी फर्स्ट टाइम आप थोड़ा ही बनाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको बनाएं तो प्रॉपर क्वांटिटी के साथ बनाएं, क्या पता एक बार में गलती हो जाए और आपने बहुत ज़्यादा बना लिया है। तो थोड़ा बनाएं, थोड़ा यूज़ कीजिए, 15 डेज के लिए बनाएं, 1 वीक के लिए बनाएं, और बहुत अच्छे से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये मैंने लिया है एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगा, एलोवेरा सबके पास होता है। अब हम लेंगे कांच का बाउल, उसमें हम 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे। क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों की इक्वल क्वांटिटी आप लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जब हम अच्छे से मेजरमेंट लेते हैं तो बहुत अच्छा बनता है प्राइमर। अब 1/4 हमें ग्लिसरीन लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने में आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर ये बहुत अच्छा बनता है। जितना आप इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से बनता है। अब इसको एक डिब्बी में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिसमें हम इसे स्टोर करके रख सकें। आप इसको 1 मंथ तक 2 मंथ तक रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कमी बनाएं। अब मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ये देखिए इसमें शाइनिंग भी है और एकदम स्मूथ टेक्स्चर है, आप देख सकते हैं। आप इसको 1 मंथ के लिए स्टोर करके रखिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा होममेड प्राइमर। आपको कैसा लगा एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, घर पे बना के देखना। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना कि आपको ये कैसा लगा और आपकी स्किन पर इसने कैसे वर्क किया। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें 1 या 2 बूंदे एसेंशियल ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल की डाल सकते हैं, वरना उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने इसमें ग्लिसरीन जो ऐड किया है वो आपकी स्किन को स्मूथ रखती है और ड्राइनेस बिल्कुल नहीं आने देती है। तो आपसे फिर मिलती हूँ ऐसी एक और वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, अगर आप साथ देंगे तो साथ में हम बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपसे फिर मिलती हूँ। बाय बाय।